नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन कैसे कैसे लेते हैं, क्या यह एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है और क्या उसका बेसिस है। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जो लोग नए बंधु आए हैं उनसे अनुरोध है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और पुराने बंधु जो लोग हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक लाइक और शेयर करने से बहुत लोग जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानकारी हासिल होगा। एलर्जी का बात जब भी आता है तो इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का बात बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि जो लोग एलर्जी से कष्ट पाते हैं वो निजात पाने के लिए रास्ता खोजते हैं, ढूंढते हैं। वो ढूंढने के रास्ते में एलर्जी इम्यूनोथेरेपी का नाम आता है। और ये एलर्जी इम्यूनोथेरेपी जैसे वाइट बुक ऑन एलर्जी जो है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन से प्रकाशित किया हुआ, वो वाइट बुक ऑन एलर्जी में स्पष्ट बोला हुआ है कि इम्यूनोथेरेपी इज द ओनली इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट फॉर टुडेज एलर्जिक डिसऑर्डर्स। तो एलर्जी अगर हुआ है तो एलर्जी बेसिकली होता है क्या, हम लोग जब एलर्जी होता है किसी चीज़ से तो हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थ को खोजते हैं, कौन से खाने से हुआ है, कौन से ये खाना बंद करें वो खाना बंद करें, हो सकता है कल मैं क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, ये सारे उधेड़ बुन में हम लोग लग जाते हैं। लेकिन एलर्जी होगा तभी जब नॉर्मल सब्सटेंस मेरे शरीर में प्रवेश करेगा। वो नॉर्मल सब्सटेंस सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन जब मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा तो मेरा इम्यून मैकेनिज्म उसके प्रति हाइपर रिएक्टिव हो गया, उसके प्रति रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे शरीर में प्रवेश करने का दो पद्धति, एक खाद्य पदार्थ खाने पीने के माध्यम से। तो खाना पीना दिन भर में हम लोग 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार डिवाइडेड क्वांटिटीज में 1 किलोग्राम जितना खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा होता है एयरबोन, सांस लेते छोड़ते हैं। तो सांस लेना छोड़ना हम लोग सारे दिन में करीब 10,000 लीटर सांस लेते छोड़ते हैं, तो इसका क्वांटम बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ एटमॉस्फेरिक रहता है जो हम लोगों को खाली आँख से दिखाई नहीं पड़ता, दूरबीन में डालने से, माइक्रोस्कोप में डालने से दिख सकता है। पोलेंस, फंजाई, बहुत सारे एयरबोन पार्टिकल्स हैं जो वोलेटाइल हैं और वो सांस के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। लंग हम लोग का लार्जेस्ट ऑर्गन है, एयर वे या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है। जो सांस हम लोग लेते हैं वो लंग में अंदर जाकर डिपॉजिट होता है और उसके साथ ही एलर्जन प्रवेश करके इंट्रैक्ट करके एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देना शुरू करता है। ये चिन्हित करने के बाद कौन कौन सा चीज़ कितने परिमाण में एलर्जी कर रहा है उसके बेसिस पर स्पेसिफिकली इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना के एडमिनिस्टर किया जाता है, लिया जाता है। अभी ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन लोग सोचते हैं कि बाजार से मिल जाए, बाजार में ये रेडीमेड कभी नहीं मिलता है, ये एलर्जिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है। और ये जो हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि आपके बॉडी का स्किन पर रिएक्टिविटी किस तरह का है वो देखना ज़रूरी है। वो पहचान होने के बाद ही उस बेसिस में इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का प्रिस्क्रिप्शन होता है और हर आदमी के लिए अलग अलग से मैन्युफैक्चर कराना पड़ता है, टेलर मेड ये वैक्सीन होता है। दो पद्धति लगाने का, एक स्किट और एक स्लिट। स्किट है सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी। सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी में चमड़े के नीचे में इंजेक्शन छोटे छोटे मात्रा में, वही एलर्जन डिवाइडेड क्वांटिटीज में डाइल्यूटेड डोसेज में चमड़े के नीचे में देते हैं हम लोग, ये इसको सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी कई बार वो जिस एरिया में दिया जाता है वो लोकलाइज रिएक्शन होता है, कभी कभी एनाफिलैक्सिस भी होने का चांसेस रहता है, डर रहता है। एफिकेसियस है लेकिन वो लोकलाइज रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस होने का चांसेस, रिएक्टिविटी होने का चांसेस। इसलिए स्किट इम्यूनोथेरेपी जब भी लेना रहे तो ऐसे सेंटर में दिया जाता है जहाँ रिसर्च टेस्ट करने का व्यवस्था हो, जहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट करने का सारा व्यवस्था हो, ऐसे सेंटर में स्किट इम्यूनोथेरेपी या चमड़े के नीचे जो इंजेक्शन लेके इम्यूनोथेरेपी लेते हैं वो लेना चाहिए। और स्लिट बोलते हैं सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, यही इम्यूनोथेरेपी जबान के नीचे ड्रॉप लेने से भी एक ही जैसा कारगर। हम लोग पिछले 20 साल पहले हम लोग करते थे स्किट इम्यूनोथेरेपी और अब ग्रेजुअली डेवलप हुआ है सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। तो मुंह के नीचे जबान के नीचे ड्रॉप लेके इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन, वो एक ही तरह कारगर है। जैसे वैक्सीन बोलेंगे तो लोग समझते हैं हरदम इंजेक्शन, ऑलवेज इंजेक्शन नहीं होता है। 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो सारा दुनिया में चल रहा है
वो भी ओरल वैक्सीन ही है, मुंह में खाने का ड्रॉप है। वैसे ये स्लिट इम्यूनोथेरेपी सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी के लिए हम लोग पहले चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना पड़ता है, किन किन चीज़ों से एलर्जी है उसको चिन्हित करना पड़ता है, वो जैसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनके बेसिस में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के स्लिट इम्यूनोथेरेपी लिया जा सकता है। आप में से किन्हीं को अगर ज़रूरत हो इस तरह का परिसेवा का, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, कोलकाता में एलर्जी एजमा सेंटर, सियालदह स्टेशन के पास मौला अली मस्जिद मजार और इंटरली सिनेमा हॉल के बीच में एक जगह मैं बैठता हूँ, एलर्जी एजमा सेंटर मेडिलैन। यहाँ आके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।